अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। आप देख रहे हो एम एल फैमिली टीवी अपना। व्हाई पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग सच एन अमाउंट टू मेक पॉसिबल टू हैव सम कुर्बानी। ऐसा क्यों होता है कि लोग इस काबिल नहीं हो पाते कि पूरा साल गुजरने के बाद भी वो एक दिन कुर्बानी का आता है और उस दिन वो कुर्बानी नहीं कर सकते। कभी सोचा है आप लोगों ने? इसकी वजह ये है, अगर आपकी आमदन जो है वो 50,000 से कम है और घर किराए का है, तो किराए का घर अगर आपका है तो 50,000 में 10,000 तो सीधा सीधा किराया चला गया। 5,000 रुपया आपका बिजली का बिल, गैस रेंट, ये वो चला गया। अगर आप कहीं पर नौकरी करके घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो रोज का आपका 50 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाएगा। 2,000 तो आपकी बाइक खा जाएगी, पीछे बच के 33,000 रुपये। 33,000 रुपयों में अब आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? अगर आपकी फैमिली में 5 से 6 लोग खाने वाले हैं तो आप कैसे पैसा बचा सकते हैं? फर्ज करें आप महीने का 10,000 बचा लेते हैं, बहुत तीर चला के। एक साल के बाद आपको 1,20,000 आता है, बैल आपको मिलेगा 2.5 लाख का, 3 लाख का, तो आप कुर्बानी कैसे देंगे? अरे कुर्बानी कैसे दोगे यार? तो इसलिए जो भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं या दे सकते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे। और आप लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, कोशिश करेंगे गरीबों को, मस्कीनों को, और जो भी लोग जिनके हालात अच्छे नहीं हैं उनको आप लोग गोश्त पहुँचाएँ, उन लोगों को आप सपोर्ट करें, और कोशिश करें कि हर शख्स को गोश्त दें जो कि ज़रूरतमंद है। अगर आप अपने मोहल्ले में से बाहर जाकर नहीं किसी को दे सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के इर्द गिर्द जो 4-5 घर हैं उनमें देखें कि किसको गोश्त की ज़रूरत हो सकती है, कौन गरीब है, कौन कुर्बानी नहीं कर सकता, आप उसको जाकर गोश्त दे दें। कोशिश करें, एक कदम उठाएं, एक कदम उठाएं ताकि दूसरा कदम आप खुद उठा सकें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। दिस इज़ उमर अशरफ साइनिंग।